आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमारे यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च हो गया है। 15 जून तक ही दोस्तों ऑफर रहेगा, बिलीव मानिए, इतने सस्ते में हमने ये कोर्स निकाला है, लाइव बैच है ये। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, हमने दो ऑप्शनल लॉन्च किया, एक हिस्ट्री ऑप्शनल और एक PSIR। यार पूरा लाइव बैच है, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो बिलीव मानो ये ले लो, आंखें बंद करके ले लो। ऑप्शनल में इतने शानदार मार्क्स आएंगे कि सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज ईरान न्यूक्लियर डील की। देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है बट बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका स्टेटस क्या है, एक तो हम देखेंगे इसका स्टेटस क्या है। देखो अभी एक रेजोल्यूशन पास हुआ, पास तो हो गया, 35 मेंबर ने यहां पे वोटिंग की, बट इंडिया लीबिया और पाकिस्तान इन्होंने वोट नहीं किया, दे एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। वहीं अगर बात करते हैं चाइना और रशिया तो इन्होंने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का ये रेजोल्यूशन था। अब पहले तो आप समझिए क्या है मामला। देखिए 1950 के बाद ईरान की अगर बात करें तो वेस्ट वर्ल्ड से इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। सिर्फ ईरान के ही नहीं, इराक, अफगानिस्तान तो आपको पहचाना नहीं जाएगा, लोग यहां पे आते थे, चिल मारते थे, छुट्टियां बिताते थे, ऐसा था एक समय पे अफगानिस्तान। लेकिन फिर आता है 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन, जिसको हम ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये सब कुछ खत्म हो जाता है। यहां पे धर्म गुरुओं ने, आयतुल्ला खोमेनी ने सत्ता अपने पास ली, और ये बहुत समय से था कि जो अमेरिकन्स हैं, जो वेस्ट है, जो यूरोपियंस हैं, वो हमारी जो कल्चर और ट्रेडिशन उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो ये 1979 में रेवोल्यूशन आता है और उसके बाद ईरान जो है इस्लामिक इमीरात बन गया, एक इस्लामिक कंट्री बन गया। अब अमेरिका और ईरान डायरेक्ट टक्कर में, 1979 ईरान में जो रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से अफगानिस्तान में भी रेवोल्यूशन आ गया, सौर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक के बाद एक इस्लामिक वर्ल्ड हिल गया और ईरान सबसे इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद क्या होता है कि वेस्ट वर्ल्ड से इनकी ठन गई बहुत कायदे से। इससे पहले 1950 जब तक अमेरिका था, जब तक यूरोप था, तो ईरान भाई देखो कुछ ऐसा है ना कि यहां पे ढेर सारा यूरेनियम आपको मिल जाएगा और यूरेनियम इज नेसेसरी फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या बिजली बनाने के लिए। तो ये ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, ढेर सारे सेंट्रीफ्यूज बनाए गए थे जिसका काम यही होता है कि भाई न्यूक्लियर को निकाला जाए। न्यूक्लियर को निकालना बहुत मुश्किल होता है, आपकी छींके आ जाएंगी उसको प्रोसेस सिंथेसाइज करने में। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम इनका 1950 से चल रहा है, लेकिन वो अमेरिका और यूरोप की देखरेख में चल रहा था। 1979 में आ गया रेवोल्यूशन, अब क्या करें, अब तो हमारी देखरेख होगी नहीं। तो उसके बाद क्या किया अमेरिका और बाकी देशों ने, ईरान पे लगाए सैंक्शंस। 2005 तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन 2005 के बाद ये खबरें सामने आई कि भैया ईरान ने बहुत सारी जगहों पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम में बहुत तेजी ले आए हैं वो। तो अमेरिका का माथा ठनका और अमेरिका ने और बाकी देशों ने मिलकर लगा दिया ईरान पे सैंक्शंस। अब देखो सैंक्शंस अगर लग गए और अगर अमेरिका लगा दे, अमेरिका का मतलब पूरी दुनिया ही लगा दे, तो भैया तुम टिक नहीं पाओगे। तो यही ईरान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बाहर से कुछ आ नहीं रहा था, बंद हो गया। हालांकि इंस्टेक्स अभी जारी है, उसमें मेडिसिन और फूड में छूट दी गई है, लेकिन ईरान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो फिर उसके बाद जब लोगों को लगा भाई ईरान में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो 2013 में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया, ठीक है। यह पूरा एक एग्रीमेंट बना गया जिसको ईरान न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट पूरा। तो अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि ईरान जो है यह पूरा 159 पेज का एग्रीमेंट था, ठीक है, P5+1। P5 कौन है भाई, परमानेंट फाइव मेंबर्स, कितनी बार बता चुका हूं, वर्ल्ड वॉर टू के विनर्स अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, प्लस वन जर्मनी। तो ये है आपके P5+1, ठीक है। तो इन्होंने मिलके सब कुछ बनाया बढ़िया तरीके से,
और उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में इसको ईरान को दे दिया कि बेटा साइन करो, ये 159 पेज का एग्रीमेंट है, साइन करो, चलो ज्यादा बकवास मत करो, साइन करो। ईरान को साइन करना पड़ा क्योंकि उसकी मजबूरी थी, अगर ईरान नहीं साइन करता तो हालत खराब हो जाती। तो ईरान ने साइन किया। हालत क्यों खराब हो जाती? क्योंकि भाई सैंक्शंस लगाए गए, सब कुछ बंद है। तो ईरान ने साइन किया और बोला कि भाई ठीक है, हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसके हम पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे, और हम बॉम्ब के लिए नहीं, हम भैया ये एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, और आप देख रेख करते रहे ना। क्रक्स यही था बेसिकली, जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी ना वो सब अब दोबारा से उसकी देख रेख की जाएगी, और जो इंस्पेक्शन होगा बाकायदा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के अधिकारी आएंगे, वो देखेंगे कि आप ठीक तो कर सही कर रहे हो कि नहीं। और बड़ी बात ये कि एनपीटी का सिग्नेटरी है ईरान, 1969 में ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, तो इसके तहत तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो शुरू ही नहीं कर सकते, लेकिन ईरान ने किया। तो 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन उसके बाद भैया 2016 में आ गए दुनिया के सबसे शानदार डोनाल्ड ट्रंप। भैया सार्केस्टिकली बोल रहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला माय गॉड दिस इज वन साइडेड, ये एक साइडेड है, ये तो बकवास है, ये कुछ नहीं है, इसको हटाओ, ये JCPO तो होने ही नहीं चाहिए था, हम क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी लें। 2019 में इस डील को कैंसिल कर दिया गया, अमेरिका पीछे हट गया, खत्म। अब भाई फिर से दिमाग खराब यहां पे ईरान का, और ऊपर से आपको पता ही है कि 2020 में जब कासिम सुलेमानी को मारा गया, मतलब 2021 में, क्योंकि अमेरिका ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इसको आतंकी संगठन घोषित किया था, और ये ईरान की आर्मी है। तो भैया जब कासिम सुलेमानी, जो इन्हीं के कुछ फोर्स के ही जनरल थे, मतलब ईरान के ही जनरल थे, मूड खराब हो गया ईरान का, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया। अब 2020 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप हटे और यहां पे आ गए जो बाइडेन, 46वें राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, और जो बाइडेन भी ये डेमोक्रेट, तो उन्होंने बोला कि चलो हम रियायत देंगे ईरान को, ठीक है हम ईरान के साथ टेबल पे बैठेंगे और सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2021 से लेकर अभी तक ये चीजें चल रही हैं। अभी मीटिंग हुई थी 2 महीने पहले, उसमें यूरोपियन यूनियन कोऑर्डिनेटर था, रशिया वॉर में बिजी, तो P4+1 हो गया। अब तो ये हुआ कि अभी ईरान को टेबल पे लाया गया, बैठाया गया, क्योंकि देखिए ईरान जो है ना वो लगातार वॉयलेट कर रहा है, ईरान एग्रीमेंट के तहत बढ़ ही नहीं रहा है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन कह रहे हैं, जो अमेरिका, कि तुम्हारे जो न्यूक्लियर, तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसकी जानकारी हमको देनी है, कितना यूरेनियम यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, सब हमारी निगरानी में, कुछ नहीं देता ईरान। तो अभी तीन लोकेशन अनडिस्क्लोज लोकेशन जिसकी ईरान ने बताया नहीं था, तो इसीलिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया। अब आप समझ गए पूरी स्टोरी, मैंने समझा दी, ऐसे रेजोल्यूशन पास होते रहते हैं। तो अभी रेजोल्यूशन पास किया गया, यह बात तो ठीक है। स्टेटस क्या है अभी ईरान और मतलब ईरान न्यूक्लियर डील का? अभी कुछ नहीं स्टेटस है, 8th राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, 8वीं बारी लोग बैठे, लेकिन दोस्तों तब तक वॉर शुरू हो गया, मार्च की बात है, तब तक वॉर शुरू हो गया रशिया यूक्रेन में। तो अभी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, यूरोपियन यूनियन कोऑर्डिनेटर था। तो अब बस रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं। तो भैया जब जानकारी नहीं थी ईरान ने कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है और भी बहुत सारी चीजें, तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ। अब बड़ी बात यह है कि इसमें भाई सबने फेवर में वोट किया, जितने यूरोपियन अमेरिका था उसने फेवर में वोट किया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान और लीबिया ने वोट ही नहीं किया। अब वोट देखिए, एक समझिए, वोट ना करने का मतलब यह है, वोट ना करना सबसे बेस्ट है। कैसे? जैसे चाइना और रशिया ने अगेंस्ट में वोट किया, यानी कि चाइना और रशिया सीधे तौर पे अमेरिका के खिलाफ है, ये एकदम सिग्नल चला गया। वोट नहीं करने का मतलब यह है कि भैया ना हम तुम्हारे साथ है ना खिलाफ है, तुम्हारे फट्टे में हमको नहीं पड़ना, सबसे बेस्ट। तो भारत ने वोट ही नहीं किया, वोट ही नहीं डाला, लेकिन ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि अमेरिका ये एक्सपेक्ट करेगा ना भारत से कि तुम वोट क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहां बड़ी बात ये है कि अमेरिका और भारत में डिफरेंसेस देखने को मिले, समझ रहे हो, मेजर इश्यूज पे, जो दुनिया का, जो अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिले, अमेरिका की वजह से भारत भुगता है, क्योंकि ईरान तो काटसा में इन्होंने डाल दिया, ईरान को तो इन्होंने इसमें डाल दिया, ईरान के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, भुगत भारत रहा है, क्योंकि भारत और ईरान के कल्चरल रिलेशंस है, भारत भाई ईरान से तेल खरीदता था, चाबहार पोर्ट वहां बना रहा है, और वो सब ठप हो गया अमेरिका की वजह से। तो अगर ये सॉल्व हो जाता है मैटर, ये वाकई में जो न्यूक्लियर डील दोबारा रिवाइव होती है,
तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलेगा। और ये दोस्तों तब आया ना, अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अहमदुल्ला भारत आए थे, कल मैंने लेक्चर लिया था, मतलब आज सुबह अपलोड हुआ है, तो अभी अहमदुल्ला भारत आए थे, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले, अजीत डोवाल से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले, इन तीनों से मुलाकात हुई, भारत आए बढ़िया तरीके से। तो ये तो समझ लीजिए कि अभी भारत जो है वो वही कर रहा है जो हमारे लिए सही है। 2005, 2007, 2009 में भी वोटिंग हुई थी तो अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था, क्योंकि उस समय हम अमेरिका के बहुत ज्यादा, मतलब भारत ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था, अमेरिका के बहुत ज्यादा हम साथ थे। लेकिन अभी चीजें बदल गई हैं, अभी हम वही करेंगे जो हमको सही लगेगा, समझे आप। तो हिस्ट्री ऑप्शनल और PSIR ऑप्शनल का हमने कोर्स लॉन्च किया है, जरूर अवेल करना, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है तुम सबको। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।